हेलो स्टूडेंट्स दिस इज थर्ड वीडियो ऑन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री व्हिच इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ द टर्म ऑफ एक्स वाई इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टर्म ऑफ एक्स वाई वी नीड द आइडिया ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्सीज़। सो फर्स्टली वी डिस्कस दिस तो जब इसको हम बता ही रहे हैं तो एक चीज और छूटता है उसको एडिशनल बता दे रहे हैं ओरिजिन को सिफ्ट करना क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत भी आगे पड़ेगी इसी प्लेलिस्ट में तो एक में देखो क्या है स्मॉल एक्स एक्सिस स्मॉल वाई एक्सिस ओरिजिन एक सिस्टम हो गया अब ओरिजिन को हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे कि माना अब ओरिजिन यहां आ गया तो यहां से हमने कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस का एक नया सिस्टम क्रिएट कर लिया इस कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस विथ ओडेस एज ओरिजिन एक सिस्टम नया बन गया उसको हमने ग्रीन कलर से दिखा रखा है एक पॉइंट हमने लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है इसको समझते हुए इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी है तो कैपिटल एक्स क्या हुआ कैपिटल वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कैपिटल वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई क्या चीज़ है कैपिटल एक्स एक्सिस से इसी पॉइंट की दूरी मैंने दिखा दिया नीले कलर से अगर ये पॉइंट एच के है पुराने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो एच क्या हुआ वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी और के क्या हुआ स्मॉल एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी तो ये ध्यान से देख लें पी से हमने परपेंडिकुलर पीएम और पी एन डाल रखा है ठीक बहुत क्लियर फिगर हुआ इसीलिए हमने डिफरेंट कलर्स का भी इस्तेमाल किया है क्लैरिटी रहे अस शिफ्ट द ओरिजिन ओ टू द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर एच के विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड सिस्टम ओल्ड सिस्टम मीन्स स्मॉल एक्स वाई सिस्टम देन ओ एम ओ एम बराबर होगा ओ एम डैस प्लस एम डैस एन यही लिखा हुआ है एंड ओ एन इज इक्वल टू ओ एन डैस प्लस एन डैस एन ठीक अब ओ एम देखो ओ एम स्मॉल एक्स है कि नहीं इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट पुराने वाले सिस्टम में स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है नए वाले सिस्टम में ये है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल एक्स हुआ कि नहीं हुआ वो लिख दिया हमने फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस एच आई है और ये डिस्टेंस इतना ही तो होगा कैपिटल एक्स इसी प्रकार से ओ एन ओ से एन तक माने यहां से यहां तक ये यह क्या होगा स्मॉल वाई इक्वल टू ओ एन डेस ओ ये कितना होगा ये होगा इतना के प्लस एनडेस एन एनडेस एन कहाँ है ये एनडेस एन ये होगा कैपिटल वाई ये बस कंसेप्ट हो गया दस टू शिफ्ट द ओरिजिन टू एच के वी पुट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच वाईक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के जहां हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिया है वहां आप एक्सडेस स्मॉल डेस एक्स स्मॉल वाई डेस भी ले सकते हैं अब आइए इस पर रोटेशन ऑफ द एक्सीज रेड कलर से हमने स्मॉल एक्स एक्सिस स्मॉल वाई एक्सिस बना रखा है विथ ओरिजिन ओ ठीक बिना ओरिजिन को छेड़े ओरिजिन अपनी जगह फिक्स रखा है और एक्सिस एक्सिस को हमने थीटा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो अब ये एक्सिस यहां आ गया और वही थीटा एंगल ये एक्सिस यहां आ गया ठीक भाई तो so, यह स्थिति है एक पॉइंट पी लिया हमने जैसे यहां लिया था स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई न्यू सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स वाई है यह एंगल थीटा है रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो रेड लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा ग्रीन लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा उन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा तो इस पर परपेंडिकुलर ये है और इस पर परपेंडिकुलर ये है इस केस के बीच का एंगल भी थीटा होगा इसके बाद हमने क्या किया है पी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे ओ एक्स पे ओ स्मॉल एक्स पे और एक परपेंडिकुलर डाल दिया है ओ कैपिटल एक्स पर ओके फिर यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाल दिया पिक्चर साफ क्लियर आइए इधर स्मॉल एक्स इक्वल टू ओ एम यहां से यहां तक स्मॉल एक्स होगा कि नहीं देखो इक्वल टू ओ एम और ओ एम को हमने लिख दिया ओ एन माइनस एम एन अब ओ एन कितना होगा ओ एन बराबर ओ एन कहां है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ओ एन बराबर होगा ओ एमडेस कॉस थीटा ओ एमडेस कॉस थीटा माइनस एम एन को हमने लिख दिया एन देस, एम एमडेस थीटा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना होगा पी डेस इसके सामने है ना तो साइन थीटा ये हो गया ओ डेस ओ डेस कितना होगा देखो ओ डेस चाहिए डेस चाहिए ओ डेस चाहिए पी डेस चाहिए तो कैपिटल एक्स वाई पे विचार करें कैपिटल एक्स क्या चीज है कैपिटल वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैपिटल वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही तो होगा और कैपिटल एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यही होगा यानी ये जो दूरी है ये क्या हो गया कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई हो गया तो ये यहां पे रख दो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसी प्रकार से वाई इक्वल टू पी एम ये ये वाई है इसको तोड़ लीजिए पी एंडेस प्लस एंड एम पी प्लस एनडेस एम को आप लिख लीजिए कहा गया एनडेस एम ये इसको लिख लो एमडेस एन लिख लिया फिर वैसे इसे ब्रेक करिए पी एनडेस पी एनडेस ये ये बराबर होगा पी एमडेस थीटा प्लस एमडेस एन ये बराबर होगा पी एम डैस कॉस्थीटा ओ एमडेस कहा गड़बड़ा गया भाई एम डेस एन निकालना है ना एमडेस तो एन तो यहां है वहां कहा चले गए तो ये निकालो इस ट्रैंगल से अब इसके सामने पड़ रहा है तो साइन हो जाएगा ओ एम डे साइन थीटा पी एम डेस और ओ एम डेस यहां भी थे दोनों यहां भी है दोनों एक्स वाई लिख दिया बड़ा क्लियर दस टू रोटेट द एक्स थ्रू एन एंगल थीटा एंटी क्लॉक वाइज वी पुट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ये आ, आसानी से याद रहेगा इसलिए याद रहेगा इधर स्मॉल एक्सवाई इधर कैपिटल एक्स वाई कालम में और ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आपको याद रहेगा याद रहना भी चाहिए कई बार मिलता है गणित पढ़ते रहो ना ये मैट्रिक्स हुआ कई बार मिलता है इवन ये ग्रुप थियोरी में भी मिलता है इस तरह के मैट्रिक्स का ग्रुप पढ़ा जाता है तो मैं समझता हूं आपको ये मालूम है कि ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए ऐसा करते हैं औरिजिन को रोटेट करने के लिए ऐसा करते हैं लेकिन ऐसा क्यों करते हैं इसकी मेकनिज़म हो सकता है आपको ना मालूम हो अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मालूम है तो आज आपको मालूम हो गया अब इसे अपने नोट्स में इम्पॉर्टेंट नोट्स में कहीं लिख लीजिए ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए ये बड़ा ख़राब लगता है कि इतनी बेसिक जानकारी है ये कि सिस्टम ऑफ एक्सीस को हमें रोटेट करना है तो हम एक्स और वाई की जगह क्या पुट करें ये पुट करें ये कैसे आया इसका मैकेनिज्म क्या है ये न जाने हायर एजुकेशन लेने वाला बच्चा तो ये भाई ठीक बात नहीं है इसलिए मैं इनको पहले बता करके अब मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ रहा हूं रिमूवल ऑफ द टर्म ऑफ एक्स वाई कहां से फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई फाइव ऑफ एक्स वाई टू जीरो उसमें से हम x इंटू वाई का जो टर्म है टू एच एक्स वाई होता है ना उसी को हम रिमूव करना चाह रहे हैं अब हेडिंग में डाल रहा हूं रिमूवल ऑफ द टर्म ऑफ x इंटू वाई एक्स एंड y नहीं x इंटू वाई ध्यान रखना

और उसके लिए क्या करते हैं आपको मालूम है ये टू रोटेट द एक्सीज थ्रू एन एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लिखेंगे हम तो पॉजिटिव डायरेक्शन ही माना जाएगा क्लॉकवाइज घुमाना है तो लिखना पड़ेगा थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे टू रोटेट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा वी पुट, देखो एक चीज और बता दें जैसे मान लो कि आप एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा और वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा पुट करते हो किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो अब जो इक्वेशन स्मॉल एक्स वाई में था वो हो जाएगा कैपिटल एक्स वाई में हो जाएगा ना फिर हम वो जब इक्वेशन आ जाता है तो एक चलन है कि उसी इक्वेशन को फिर करंट कोऑर्डिनेट्स में लिखो माने फिर उसको कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स कैपिटल वाई को स्मॉल वाई लिख दो वो लिखा जाता इन करंट कोऑर्डिनेट्स दिस इक्वेशन विल टेक दिस फॉर्म तो अब वो दोहर कम ना करें हम इससे बचने के लिए हम पुट ना करके रिप्लेस कर दे रहे हैं तो रिप्लेस देखो ऐसे कर दे रहे हैं पहले से ही हम इसको करंट कोआर्डिनेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं हाँ ये चलन है इसकी जरूरी चीज़ नहीं है चलन है तो हम भी उस चलन को चलाएं वी रिप्लेस एक्स बाय दिस एंटिटी वी रिप्लेस एक्स बाय एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड वाई बाय एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा फुल स्टार अब इसमें ऐसा करना है तो इसका नया रूप क्या हो जाएगा न्यू फॉर्म नया रूप ऑफ द इक्वेशन वन इज अब आप इतमान से यही सब इसमें रख दो भैया चाहे जितना भी बड़ा है ठीक है ए एक्स की जगह एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा हो गया ना एक्स की जगह ये है ना उल्टा लिख दिए निगाह पड़ गई वहां चलो हम इसको ऐसे घेर ले रहे हैं ताकि इधर उधर भागने न पाए नजर ए, ए रहा। एक्स की जगह एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस टू एच एक्स एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इंटू वाई एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा टू एच एक्स वाई हो गया प्लस बी वाई स्क्वायर मैंने एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू जी एक्स एक्स की जगह एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा टू जी एक्स कुछ छूट रहा है क्या नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई की जगह एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा और प्लस सी इक्वल्स टू जीरो अब इसको फिर से इसी क्रम में लिखिए पहले एक्स स्क्वायर के टर्म फिर एक्स वाई के टर्म ना तो इसमें मैं थोड़ी सी समय बचाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ आप चेक कर लेना यही आएगा इंप्लाइज दब कैलकुलेसन करें इसमें क्या सिखाए आप घोड़ा पोड़ा करो खूब लंबी चटाई बिछाओ उसके बाद फिर ऐसे सेट कर दो एस स्क्वायर थीटा प्लस टू एच साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर यह था एक्स स्क्वायर का टर्म अगर आप ऐसा ही फील करना चाहें देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और गुणांक आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा फिर जब दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करोगे कॉस नहीं एक्स स्क्वायर चाहिए ना तो एक्स वाले इसमें गुणा करोगे तो कोफिशियंट क्या आएगा टू एच साइन थीटा कॉस थीटा ये फिर इसमें आएगा बी साइन स्क्वायर थीटा बस ऐसे ऐसे भी सुंग सुंग के तुम लिख सकते हो प्लस टू इंटू ब्रैकेट एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एच साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस बी सॉरी प्लस बी साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट बंद इन टू एक्स वाई ए टू एक्स वाई का टर्म है यहां आएगा ना माइनस टू एक्स वाई तो आएगा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा ये है इसमें एक्स इंटू वाई दो बार आएगा एक बार आएगा कॉस स्क्वायर थीटा एक बार आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और टू एच रहेगा ही रहेगा तो एच कॉस स्क्वायर थीटा एच साइन स्क्वायर थीटा ऐसे इसमें आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू बी पॉजिटिव के साथ हो गया आसान है ऐसा थोड़ी प्लस वाई स्क्वायर का देखिए टर्म ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एच साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर इसके बाद एक्स का टर्म प्लस टू आइस विद इन द ब्रैकेट जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू इन टू ब्रैकेट एफ कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो नंबर टू यही आ जाएगा अब हम क्या करेंगे एक्स इंटू वाई के टर्म को हम हटाना चाह रहे हैं तो इसलिए इसके कोफिशियंट को हम जीरो कर दें तो इसके कोफिशियंट को जीरो कर दोगे तो थीटा में एक कंडीशन आ जाएगा वही कंडीशन होगा रिमूव द टर्म ऑफ एक्स वाई फ्रॉम फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेटस टेक एक्स वाई ऐसे में लिख दे रहा हूं इन्वर्टेड कामा में कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन टू इक्वल्स टू जीरो दैट इज टू विद इन द ब्रैकेट हा कंजूसी नहीं कर रहा हूं मैं एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एच साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉस थीटा दिस ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो टू उधर फेंक दिया और ये हो गया इंप्लाइज दैट एच कॉमन ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस बी ठीक इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एच इन इसको पहचान रहे हैं ना ये कितना है यह कॉस टू थीटा इसको उधर कर दीजिए इक्वल्स टू ए माइनस बी और ये क्या है साइन टू थीटा अपान टू है अपान तो टू यहां और साइन टू थीटा यहां दिस इज इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दैट टू थीटा को इधर कर दो टेन टू थीटा बराबर टू एच अपॉन ए माइनस बी टेन टू थीटा इक्वल टू टू एच अपॉन ए माइनस बी ये मैथमेटिक्स का स्किल है सब देखो क्या बुद्धि लगाया क्या युक्ति लगाया कि भैया टेन टू थीटा बराबर इतना हो जाए तो इसमें इक्वेशन में से एक्स वाई का टर्म उड़ जाएगा क्योंकि टेन टू थीटा बराबर ये आया किस आधार पे जब आपने इक्वेशन टू में एक्स वाई के टर्म को जीरो मान लिया है तो देखो कोई भी दिया रहा है। उसमें ए मालूम हो जाएगा बी मालूम हो जाएगा एच मालूम हो जाएगा ठीक उसकी मदद से टेन टू थीटा हमने निकाल लिया अब हमें टेन टू थीटा मालूम हो गया अब थियटिकल बातचीत कर रहे हैं अब न्यूमेरिकल संभव नहीं अब बातचीत कर रहे हैं कि टेन टू थीटा मालूम हो गया तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं भाई हम ऐसे मान ले रहे हैं टेन टू थीटा हमको मिल गया तो हम थीटा निकाल लिए जब थीटा निकाल लिए तो साइन थीटा थीटा निकाल लिए अब साइन थीटा थीटा की वैल्यू जो भी आएगी उसमें ए और बी और एच ही, ही तो होगा होगा ना कांस्टेंट के रूप में सब आएंगे उन सभी वैल्यूज को हम नंबर टू में रख दें साइन थीटा का मान थीटा का मान थीटा साइंथीटा थीटा यही तो है सब और थीटा साइंथीटा थीटा का मान ए बी एच के रूप में ही तो आएगा माने कॉन्स्टेंट ही तो आएगा यानी ये सब कॉन्सटेंट ही तो है ये सब कॉन्स्टेंट ये तो जीरो ही हो जाएगा और ये नया कॉन्स्टेंट हो गया सब कॉन्स्टेंट 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 नंबर थ्री फिर हम लिख दे रहे हैं कि इससे हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकालेंगे फ्रॉम इट वी फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एच सबके सब कॉन्स्टेंट दस इन सारी वैल्यूज को फिर इसमें हम रख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज In इक्वेशन टू वी गेट एन इक्वेशन हाँ क्या प्राप्त होगा या नहीं लिख रहा main मैं, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से पढ़िएगा We get an equation of the form इस रूप का एक समीकरण हम प्राप्त करते हैं ऑफ द फॉर्म इसकी जगह हम क्या लिख दें कोई कॉन्स्टेंट लिख दें चलो हम dash लिख दे रहे हैं dash एक्स स्क्वायर एक्स वाई के इस पूरे कोफिशियंट को जीरो तो मान के हम चले ही थे ये खत्म ही हो गया इसकी जगह हम नया कॉन्सटेंट डाल दें प्लस बी डैस वाई स्क्वायर प्लस टू फिर नया चू टू जी डैस एक्स प्लस टू एफ डैस वाई प्लस सी इक्वल टू तो जीरो यही हो गया तो सी को भी अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यू साइन आज थीटा की आएगी हो सकता है उसमें कोई अटा बटा हो तो तिरिय गुणा करेंगे सी तो भी बदल जाएगा सी दीजिए इस तरीके से देखो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जिसमें x इंटू वाई का टर्म नहीं रहा अब तो x इंटू वाई के टर्म को रिमूव करने का यही पूरा प्रोसेस है और यही सब कॉन्सेप्ट है यही इसका मेकेनिज्म है जो आप समझ चुके होंगे ठीक इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ आपको सिखाना कि कैसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में से एक्स इंटू वाई का टर्म गायब करेंगे रिमूव करेंगे उसके लिए रोटेशन ऑफ़ एक्सीज की मदद ली गई है थीटा एंगल पे एक्सीज को घुमा दिया गया है और फिर बातचीत आगे बढ़ाई गई है तो इसके लिए हमने आपको पहले सिखाया कि रोटेशन ऑफ एक्सीज करने के लिए एक्स और वाई को किससे रिप्लेस करते हैं या एक्स और वाई की जगह क्या हम पुट करते हैं उसका मेकेनिज्म आपको बताया और लगे हाथ हमने एक चीज़ अतिरिक्त एडिशनल बता दिया कि ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं क्योंकि अब अगले वीडियोज़ में हम ओरिजिन शिफ्ट करने का भी काम करेंगे ये प्ले की शुरुआत है अभी ये तीसरा ही वीडियो है अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी सूचना आप तक पहुंचे थैंक यू वेरी मच वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा